हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आईटीए प्लस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप कैसे दे सकते हैं। दोस्त, आप भारत स्किल पोर्टल से ऑनलाइन अगर आप स्टडी कर रहे हैं या फिर नीमी जूम के एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन अपनी पढ़ाई जारी कर दिए हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। चाहे आप किसी भी ट्रेड से क्यों ना हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, बेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, कोपा, सभी ट्रेडों के लिए ये नीमी की ऑनलाइन मॉक टेस्ट पोर्टल पे सभी उपलब्ध हैं। मॉक टेस्ट कैसे देना है, तो ये मॉक टेस्ट के लिए आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक को ओपन कर लीजिएगा। उसके सामने आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड और ये कुछ मांग रहा है, तो यहाँ हमको क्लिक नहीं करना है। इसके नीचे हमको आना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम हेयर। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो यहाँ एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो कुछ इस प्रकार से होगा। तो इंटरफेस क्या है, जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे दिख रहा है चूज योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। सबसे पहले यहाँ आपको यूजर नेम प्रेस करना है। यूजर नेम के लिए आप यहाँ अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं, आपका कोई भी ईमेल आईडी हो यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा ईमेल आईडी itiplus@gmail.com है, तो यहाँ कुछ भी आप अपना ईमेल आईडी फिल कर दीजिए यूजर नेम की जगह पर। और साथ ही यहाँ आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए आप स्पेशल कैरेक्टर के साथ साथ कुछ नंबर और कैपिटल लेटर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये सारी चूज कर लीजिए। जैसे कि आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ itii@1234-5 ऐसे करके आपको पासवर्ड बनाना है। तो फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद जो है एक स्पेशल करेक्टर जैसे @ का यूज करना है और आगे जो है नंबर का यूज करना, जैसे 1234 ऐसे करके आप अपना पासवर्ड बना लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे मोर डिटेल के जगह पे यहाँ आपका ईमेल आईडी मांग रहा है, तो ईमेल आईडी के स्थान पर आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए। पुनः आपका ईमेल आईडी अगेन मांग रहा है, तो यहाँ भी आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए। दोनों जगह ईमेल आईडी फिल करने के बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट नाम मांग रहा है, फर्स्ट नेम के स्थान पर अपना फर्स्ट नेम दे दीजिए। उसके बाद नीचे आएगा आपका सरनेम मांग रहा है, तो सरनेम की जगह अपना सरनेम दे दीजिए। उसके बाद यहाँ आपको सिटी सेलेक्ट करना है, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं उस सिटी को यहाँ पे फिल कर लेना है। और कंट्री की जगह आपको इंडिया फिल करना है। इंडिया आपको अगर नहीं मिले तो यहाँ पर क्लिक करके नीचे जाइएगा, तो हिंदी में लिखा आपको भारत मिलेगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा, आपके जो ईमेल आईडी यहाँ पे दिया है उस ईमेल आईडी पे एक मैसेज जाएगा, तो यहाँ आपके ईमेल पर एक मैसेज आया है जो नीमी की ओर से ये मैसेज है। यहाँ पे देख रहे हैं मैसेज कुछ इस प्रकार से है, नमस्ते नीमी साइट ऑनलाइन कोर्सेस, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये सारी करने के बाद अपने अकाउंट पुष्टि के लिए यहाँ पर जाए, अपने अकाउंट को पुष्टि के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये लिंक दिया हुआ का होगा आपके ईमेल में, ईमेल खोलने के बाद ऐसा आपके सामने लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आप लॉगिन पे जा सकते हैं। लॉगिन पे जाने के बाद लॉगिन कीजिएगा, उसके बाद आपको सर्च बॉक्स मिलेगा। सर्च बॉक्स में आपका जो भी ट्रेड है वो ट्रेड सर्च कीजिएगा, और ट्रेड सर्च करने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने मॉक टेस्ट ओपन हो जाएगा, और मॉक टेस्ट आप दीजिए, वहाँ पे जाकर के प्रैक्टिस कीजिए। अपने ट्रेड से रिलेटेड थ्योरी हो या फिर ट्रेड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ पर जाके, उसके बाद आपके पास एक और ईमेल आएगा जो कुछ इस प्रकार से होगा। तो जैसे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, एक और ईमेल आपके पास आएगा जो कि इस प्रकार से होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बिल्डर सेलेक्ट किया था, तो बिल्डर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका स्वागत है, आपने अभी तक अपना प्रोफाइल पेज संपादित नहीं किया है तो संपादित कीजिए ताकि हम आपके बारे में अधिक जान सकें। यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर या फिर जो कुछ भी हो यूजर आईडी के जगह पे
आप वहाँ पे जाके ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लॉकडाउन में आप घर पे रह के ऑनलाइन स्टडी तो कर रहे हैं, पर स्टडी में आप क्या सही मायने में क्या कैसे आपकी तैयारी चल रही है, या फिर अपनी तैयारी को जाँचने के लिए परखने के लिए ये मॉक टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। ये DGT और NEMI पोर्टल के द्वारा ये जारी किया गया बहुत ही अच्छी पहल है, जो ITI के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो इस मॉक टेस्ट को जाके आप जरूर दीजिए, चाहे किसी भी ट्रेड से आप क्यों ना हो। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ITI से जुड़े सभी सवालों के जवाब साथ ही विभिन्न जानकारी आप तक पहुँचा सकें।